डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग 10th क्लास में साइंस में भी अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग पिछले क्लास में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है पीएच स्केल। यदि किसी स्केल पे पीएच वैल्यू किसी यौगिक का 7 से कम दिखा रहा होता है, तब हम उसको कहते हैं कि वह अम्ल है। लेकिन अगर किसी यौगिक का, पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा दिखा रहा होता है, तब हम उसको बोल देते हैं कि वह क्षार है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पीएच स्केल के बाद एक अच्छे टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स बनाया जाए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, आखिर पीएच का क्या महत्व है हमारा दैनिक जीवन में, आवर डेली लाइफ में। पीएच नहीं रहने की वजह से क्या होगा, पीएच पर हमारा दिनचर्या कैसे डिपेंड करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले लिखा जाए, इसके नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, दैनिक जीवन में पीएच के कई महत्व हैं। दैनिक जीवन में पीएच के कई महत्व हैं। नंबर वन, बागीचे की मिट्टी का पीएच। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक बनाए हैं वो पीएच का महत्व के बारे में बनाए हैं। तो इसका जो महत्व है, हम लोग लिखे कि दैनिक जीवन में पीएच के कई महत्व हैं। पहला है बागीचे के मिट्टी का पीएच, यानी बागीचे का मतलब जिसको हम लोग घर के पीछे में वो बागीचा नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिखो हम लोग खड़ी बोलते हैं, जिसमें कुछ साग सब्जी पौधे उगाते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बागीचे नाम दे चुके हैं। तो बागीचे के मिट्टी का पीएच दूसरा लिखेंगे, दूसरा पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरा महत्व क्या है कि पीएच के कारण पौधे क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे, पहले हम लोग लिख लीजिए कि कितने महत्व हैं इसके। तीसरा में लिखा जाए पाचन तंत्र का पीएच। और नंबर फोर में लिखा जाए पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ठीक है, अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो कुल मिलाकर दैनिक जीवन में पीएच के क्या महत्व हैं, तो पीएच के कुल मिलाकर चार महत्व हैं। पहला है बागीचे के मिट्टी का पीएच, पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसको भी समझेंगे, पाचन तंत्र का पीएच, और पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक बनाकर अब इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अब टॉपिक बनाया जाए बागीचे के मिट्टी का पीएच।
बागीचे के मिट्टी का पीएच। सबसे पहले बागीचे के मिट्टी का पीएच यहाँ टॉपिक बना दिए, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे अच्छी उपज के लिए बागीचे के मिट्टी के पीएच, बागीचे के मिट्टी के पीएच परास की आवश्यकता होती है। क्या लिखे फर्स्ट एरो देकर? अच्छी उपज के लिए बागीचे के मिट्टी के पीएच परास की आवश्यकता होती है, पीएच परास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट एरो बागीचे में मिट्टी का पीएच मान, बागीचे में मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के परास में, 6 से 7 के परास में होना चाहिए, 6 से 7 के परास में होना चाहिए। जी हाँ, तो ये 2 पॉइंट्स था बागीचे के मिट्टी का पीएच के बारे में। सबसे पहले बागीचे का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई हम लोग घर के पीछे थोड़ी सी जगह में हम लोग साग सब्जी पौधे बीज वगैरह उत्पन्न करते हैं, उपजाते हैं। आपको जानना चाहिए कि जो हम लोग पीछे खड़ी वगैरह है, बागीचा जिसको बोल रहे हैं, उसमें जो हम लोग कोई भी चीज़ उपजाते हैं, कोई साग सब्जी पौधे या अमरूद का पौधा कोई भी हम लोग मतलब बोते हैं, उसको मतलब उगाते हैं, या फिर फूल तरह तरह के जो फूलों का पौधे होते हैं उसको भी उगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस बागीचे में जो अच्छी उपज होने के लिए, अच्छे फल देने के लिए उस मिट्टी का पीएच भी चाहिए। यानी कि मिट्टी का पीएच भी होता है कि अगर मान लिया इतना के बीच में पीएच मिट्टी का नहीं रहेगा तो अच्छी उपज नहीं होगा। आप जानते हैं ना कि जो हम लोग धान वगैरह उपजाते हैं उसमें दिन प्रतिदिन यूरिया डीएपी खाद डाले जा रहे हैं, वो खाद क्या करता है, चूँकि मिट्टी का पीएच खत्म हो रहा है, उसकी शक्ति खत्म हो रही है जिसमें अच्छी उपज हो सकता है, इसलिए हम लोग खाद डालकर ना उसके पीएच को बढ़ा देते हैं, उसके पीएच को मेंटेन करते हैं ताकि इसमें अच्छी से अच्छे उपज हो सके। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया कि जिस बागीचे में हम किसी भी पौधे को फूल को बोते हैं या उगाते हैं उसकी अच्छी उपज के लिए उस मिट्टी का पीएच प्रास जरूरी है, यानी कि पीएच मान उस मिट्टी का होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि जो अच्छी उपज के लिए जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए वो कितना से कितना होना चाहिए, 6 से 7। ये बातें बिल्कुल याद रखिएगा कि जो भी मिट्टी होती है ना उस मिट्टी का पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना से कितना होना चाहिए ताकि उसमें अच्छा से अच्छा उपज हो सके। तो राइट आंसर 6 से 7, यानी इसमें 6 से 7 होना चाहिए हम लोगों का मिट्टी का पीएच मान, तभी उसमें हम लोग अच्छी उपज ले सकते हैं। तो ये था हम लोगों का पहला पीएच का महत्व। पहला महत्व के बारे में अच्छे से हम लोग जाने कि मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7 होना चाहिए, अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो हम लोगों पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग खाद यूरिया डीएपी तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, और उस केमिकल्स का भी हम लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि जो केमिकल्स जो खाद डाले जा रहे हैं उसमें जो पौधा उग रहा है वो भी क्या हो रहा है, उसमें भी केमिकल आ रहा है और उस केमिकल को खा रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जी खाकर भी बीमार पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर बैड इफेक्ट इसका पड़ता है। चलिए अब आगे हम लोग दूसरा है, पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं इसको समझते हैं। तो अब की बार टॉपिक बनाया जाए पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं।
ठीक है। चलिए अब इसको समझने के लिए भी इसके नीचे एरो देंगे। तो एरो देकर लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एरो, हमारा शरीर का पीएच मान, हमारा शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। जी हाँ, पहले हम लोग क्या पढ़े कि टॉपिक्स क्या है कि पौधे जो है पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। और आइए हम लोग समझते हैं, क्योंकि पौधे भी क्या है, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, सजीव प्राणी के अंतर्गत आते हैं, वैसे ही मानव यानी कि हम लोग, आप लोग सभी एक लिविंग थिंग्स हैं, सजीव प्राणी हैं। और सजीव प्राणियों का जो हम लोगों का शरीर है, मानव का शरीर है, याद रखिएगा हम लोगों का पूरा बॉडी क्षार है, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से 7.8 होता है। सॉरी, क्षार का तो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, 7 से 14 के बीच में। तो याद रखिएगा हमारा जो पूरा शरीर है, आँख नाक मुंह कान सब टोटल मिलाकर, स्पेशल पार्ट्स ऑफ बॉडी का नहीं बोला जा रहा है कि आँख का इतना कान का इतना, स्पेशल नहीं हो रहा है यहाँ पे, पूरा शरीर के बारे में बताया जा रहा है कि पूरा शरीर का पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के होता है। तो 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर, जब वर्षा के जल का पीएच मान, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है, तो 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जी हाँ, अब हम लोग चलिए समझते हैं कि जो पॉइंट्स हम लोग लिखे हैं, सेकेंड पॉइंट वो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो बारिश के दिनों में वर्षा होती है उसका वैल्यू 5.6 से अगर कहीं कम हो गया, एक्चुअली जो बारिश होता है उसका पीएच मान 5.6 से ज़्यादा होना चाहिए। होना कितना चाहिए, 5.6 से ज़्यादा, ठीक है, तब हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो बारिश के दिनों में बारिश होता है उस बारिश वाला जल का पीएच मान होना कितना चाहिए, 5.6 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, उस बारिश के जल का पीएच वैल्यू कहीं ना कहीं 5.4 हो जाए, 5 हो जाए, 4.8 हो जाए, तब हम इसको कहेंगे अम्लीय वर्षा, ठीक है। यानी कि वह वर्षा जल जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसको हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और यही अम्लीय वर्षा हम लोगों के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा में जो स्नान किया छत पर, जैसे बारिश में नहाते हैं ना, तो बारिश में नहाते हैं, अगर उस बारिश का पीएच मान 5.6 से कम है यानी कि वो अम्लीय वर्षा है। और वह अम्लीय वर्षा जैसे ही हमारा शरीर के त्वचा पर पड़ता है तो खाज, खुजली, घाव, बरसाती घाव ये सब के नाम से जानते हैं, वो सब आने लगते हैं हमारे शरीर पे, तो इसलिए हमारे लिए हानिकारक है। और ये जो अम्लीय वर्षा का टाइम है, जैसे ही बारिश शुरू होता है ना, बारिश का समय आता है, तो शुरुआती जो बारिश में बारिश होती है ना, वो अधिकतर प्रायः अम्लीय वर्षा ही गिरती है नीचे,
इसलिए घर में भी लोग बारिश में जाने से मना करते होंगे ये कहकर कि अभी स्टार्टिंग में बारिश जो है इससे घाव फुंसी फोड़ा हो जाता है। तो ये होने का वजह क्यों है? क्योंकि जो पहली बार बारिश के दिनों में बारिश होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, और वह अम्लीय वर्षा हम लोगों के लिए खतरनाक है। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे थर्ड एरो। इसी में जब वर्षा जल नदी में प्रवाहित होती है तो जब वर्षा जल नदी में प्रवाहित होती है तो नदी के जल के पीएच का मान नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा कि जब वर्षा का जल अगर अम्लीय होगा यानी कि 5.6 से कम होगा तो ये कम पीएच वाला जब वर्षा का जल नदी में बह कर जाएगी तो नदी के जल का जितना पीएच वैल्यू होगा उसको क्या कर देगा? और घटा देगा, क्योंकि उसमें जाकर कौन मिल रहा है? तो अम्लीय वर्षा मिल रही है। तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का जल जिस नदी में जाकर मिलती है उस नदी का पीएच क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नोट में करके एक पॉइंट्स लिखेंगे। नोट में पॉइंट्स लिखने से पहले आप समझ जाइए कि हमारा जो ग्रह होता है ना, नौ नौ तरीके का ग्रह है, हालांकि एक हट गया तो अब लोग बोलते हैं 8 ही ग्रह हैं। तो चलिए, पृथ्वी, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ये सब है ना, शनि ग्रह, ग्रह का नाम आप सीखे होंगे। तो इस ग्रह में याद रखिएगा एक शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। और उस ग्रह पर वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल ही है खाली भरा हुआ, और आपको उजला और पीला रंग में दिखाई देगा। यानी कि ऐसा मानना है जो अंतरिक्ष यान में जाते हैं तो उनको उनका ही खोज है, उनका ही देन है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका वातावरण में, जिसका वायुमंडल में खाली सल्फ्यूरिक अम्ल ही भरा पड़ा है। तो हम लोग ये लिख लेंगे इस बात को कि नोट में करके लिखा जाए, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो दोस्तों, ये नोट के पॉइंट्स तक ही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग दो पार्ट्स को क्लियर कर लिए। अगले दिन से पाचन तंत्र का पीएच पढ़ेंगे और फिर पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी कि दो गो टॉपिक्स को अगले दिन क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।